Hey everyone, today I will cover electronegativity of some elements. इससे पहले मैं electronegativity करा चुकी हूँ एंड वो सिक्स पार्ट था और मैं सारी चैप्टर को एटॉमिक पीरियोडिक टेबल को मैं सिक्स पार्ट में तो हो चुके हैं. अब एक दो पार्ट होने वाला है, 7-8 पार्ट में पूरा चैप्टर कवर हो जाए जो कि मैंने आपको बोला था. अब यहाँ पर सारी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट्स. यहाँ पर बस सिंपल सा कुछ नहीं, ये आप देख सकते हैं ध्यान से. एंड ये कैसे याद करेंगे, यहाँ पर ट्रिक दे रखे हैं, फोन कलीवर आई एस पी एच. अब यहाँ पर सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट फाइव पहले 0.5 कम करना है. 4 से यानी कि सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, तो आप 0.5 कम कर देंगे तो ऑक्सीजन की आ जाएगी. एंड अब यहाँ पर 0.5 कर देंगे तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की आ जाएगी. 0.2 कम कर देंगे तो ब्रोमीन की आ जाएगी. और 0.3 कम कर देंगे तो आई एस यानी कि आयोडीन सल्फर एंड कार्बन की आ जाएगी. और 0.4 कम कर देंगे तो आ जाएगी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन. ओके, तो ये आप याद कर लीजिएगा ऐसे ही. स्केल्स ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे क्या ये वाली जो वैल्यू है इसको डेल्टा बोलते हैं पूरी वैल्यू को. तो डेल्टा की वैल्यू या तो दी हुई होती है, नहीं दी होती है तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी दी होगी ए बी बॉन्ड की, ए ए बॉन्ड की एंड बी बी बॉन्ड की. जो ए ए है इसको ए टू भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ दूसरे फॉर्मूले में लिखा हुआ भी है ए टू. एंड बी 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 को बी टू भी बोलते हैं. यहाँ पे जो है 0.1017 है क्योंकि 1 किलो कैलोरी पर मोल में 4.184 किलोजूल पर मोल होते हैं. एंड यहाँ पे दे रखा है 0.208. ओके, तो चाहिए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, चाहिए भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी बॉन्ड. ये सारे जो ए बी ये सब होते हैं बॉन्ड एनर्जी जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार आप रीड कर लीजिएगा. एंड नेक्स्ट ये तो हो गया फॉर्मूला. स्केल मॉलिक्यूलर स्केल क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, क्या कहते हैं आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो दिए रखे होते हैं या एक हमें याद हो सॉरी एक हमें निकालना होता है ऐसा करके. तो ये क्वेश्चन में दिए होते हैं ज़्यादातर, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी होती है तो ये फॉर्मूला लिख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला होगा. अगर वहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे रखे हैं तो, अगर किलो जूल पर मोल में दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला याद करना होगा हमें, क्योंकि ना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 96.48 किलो जूल पर मोल होते हैं. तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख के और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछा जाए तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 23 किलो कैलोरी पर मोल होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में 46 होते हैं, जिससे कि मल्टीप्लाई कर देंगे ई प्लस ई ए अपॉन 46. तो ये हो गया हमारा पहला मूलिकन था, सॉरी पहला था रिपावलिंग, दूसरा मूलिकन एंड थर्ड है ऑलरेडी टोको स्केल. यहाँ पर जेड इफेक्टिव दे रखा है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे लास्ट में. यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पर देखो ये स्केल क्या है 0.359 मल्टीप्लाई जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर प्लस 0.744. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय.